आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि और लगन के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो आपको कुंडली यहाँ पर नज़र आ ही रही है। इस कुंडली को 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और 1 जनवरी के बाद कोई भी ग्रह इनमें से चेंज हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पर देखिए, 2 चंद्रमा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चंद्रमा आपके राशि स्थान के हैं और गोचर के जो चंद्रमा हैं वो गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, यहाँ पर सिंह राशि में। यानी इसका मतलब है, यहाँ पर चंद्रमा है तो 1 जनवरी 2024 को सुबह अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपको आपके अष्टम भाव में मिलेंगे। अब इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और लगन दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लगन या राशि स्थान के स्वामी से शुरू करेंगे। यहाँ पर शनि आपके स्वामी बनते हैं राशि या फिर लगन स्थान के, और इनका गोचर रहेगा अपनी ही राशि कुंभ में। तो कुंभ में शनि का सेकंड हाउस में गोचर, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये साल, ये कहा जा सकता है 2024 का जो साल है, क्योंकि ये आपके लिए उतरती हुई साढ़े साथी कह सकते हैं, अंतिम फेज साढ़े साथी का, जो आपको काफ़ी पैसा धन दौलत सब कुछ देकर जाएंगे। ये शनि सेकेंड हाउस में होने की वजह से आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे, पैसे भी बचाएंगे, अपनी फैमिली की भी केयर करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर आती है समस्या कि आपको फैमिली से कई बार रिलेशन ख़राब हो जाएं। आप इस साल बहुत ही कम बोलेंगे और ज़्यादातर चुप ही रहेंगे। अगर आपके कुंडली में भी ऐसा योग है कम बोलने जैसा, यानी शनि अगर सेकंड में है, तो हो सकता है इस साल लगभग आप बहुत ज़्यादा हालांकि सोचेंगे लेकिन बोलेंगे बहुत सटीक और बहुत कम बोलेंगे, और सीधा और स्पष्ट बोलेंगे ये भी है। तो शनि का सेकंड हाउस में होना ये दिखाता है कि आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, आपको धन की वृद्धि ज़रूर होगी, फैमिली की भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। साथ में आप अपनी फैमिली के बहुत सारी मेहनत करेंगे, फैमिली के लिए सब कुछ करने को आप तैयार रहेंगे, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। साथ में क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर, तो 4th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपका कोई प्रॉपर्टी जैसा काम या घर का कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है तो वो हो सकता है। साथ में यहाँ पर आपकी माताजी की सेहत को हालांकि थोड़ी दिक्कत रह सकती है, लेकिन आपके घर के सुख के लिए शनि का जो एस्पेक्ट है वो कुल मिलाकर अच्छा ही साबित होगा। अब शनि जैसा ग्रह है तो थोड़ा डिले कर सकता है, तो आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, कोई अटका हुआ पड़ा है, तो हो सकता है वहाँ पर दिक्कत आए। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु सपोर्ट करेंगे आपको 4th हाउस में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। ये कहीं ना कहीं आपको घर के सुख में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ देखिए, शनि का जो अगला एस्पेक्ट पड़ेगा वो अष्टम भाव पर पड़ेगा। अष्टम भाव पर पड़ने से आपको पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा हो तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ में आपको अपने फादर से संपत्ति मिल सकती है, आपके इन-लॉज से आपको धन मिल सकता है, अचानक आपको कहीं से पैसा वगैरह संपत्ति वगैरह मिल सकती है। शनि का ये जो पीरियड रहेगा अंतिम पीरियड, इसमें काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में होंगे और वो लाइफ चेंजिंग होंगे, यानी एकदम से आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो शनि का अष्टम भाव पर एस्पेक्ट रहने से आपका कहीं ना कहीं ज्योतिष वगैरह में, पामेस्ट्री में, इन सब में भी रुचि रहेगी, रिसर्च जैसे कार्यों में भी रुचि रहेगी, और आप बहुत गहराई से सोचेंगे। जिस भी विषय को आप पढ़ेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उसमें बहुत गहराई से आप अंदर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही सोच पाएंगे। हाँ, कुछ निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली से रिलेटेड या कुछ अन्य कार्यों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जो बहुत कठिन होते हैं, स्ट्रिक्ट फैसले ले आप, ऐसा संभव है। साथ में इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपको कहीं चोट दुर्घटना की संभावना अगर बनती भी है तो वो कम हो जाएगी। अगर आपको दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में आपको जो डैमेज होगा वो कम होगा। और जो लोग ओल्ड एज में हैं, उनकी यहाँ पर शनि एज में वृद्धि करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि की जो पोजिशन है, शनि का जो गोचर है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद शनि क्योंकि देखेंगे आपके लाभ स्थान को, तो लाभ स्थान को देखने से लाभ में वृद्धि करेंगे, आपको फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा।
अब आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है और आपकी ओवरऑल जो कुंडली है वो कैसी है। लेकिन शनि क्योंकि हाँ यहाँ पर लाभ में कुछ ना कुछ आपको कमी अवश्य देखने को मिल सकती है शुरू में, लेकिन क्योंकि जाते जाते शनि है तो ये साल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में ये आपके लगन के स्वामी होने की वजह से आपको अपने भोजन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और आप अगर नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये आदतें त्याग देनी चाहिए। और आप कभी भी झूठ ना बोलें, इस गोचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप इस साल झूठ नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और सही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें, कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके थर्ड हाउस के स्वामी के बारे में। थर्ड हाउस के स्वामी इनकी गुरु, और गुरु क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और इनका आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। जो फोर्थ हाउस के स्वामी हैं मंगल, और जो 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु इनका, क्योंकि मंगल यहाँ पर गुरु की राशि में और गुरु यहाँ मंगल की राशि में, तो ये आपके फॉरेन टूर को दिखाता है या घर से दूर के टूर को दिखाता है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे कार्यों के लिए खर्चे को दिखाता है। साथ में आपकी माताजी की सेहत अगर ख़राब होगी तो आपको उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो सेहत जैसे कार्यों के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं इस साल में, और मुख्य रूप से अपने घर के निर्माण के लिए या प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए या घर के सुख में वृद्धि करने के लिए आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं अपने घर में। और जो लोग फॉरेन का सोच रहे हैं, फॉरेन सेटल होने का सोच रहे हैं, उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है। तो गुरु का यहाँ पर जो गोचर रहेगा ये आपके घर के सुखों में वृद्धि करेगा, पर वो वृद्धि आपको प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपना खर्च अवश्य करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति रहेगी। साथ में गुरु क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी भी हैं और थर्ड हाउस में राहु का गोचर रहेगा, तो आप काफ़ी मेहनत करेंगे इस साल, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इधर उधर बहुत ज़्यादा जाएंगे, आप कहीं ना कहीं ट्रेवल बहुत ज़्यादा करेंगे, और क्योंकि राहु का भी थर्ड हाउस में गोचर है तो ट्रेवलिंग आपकी इस साल बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो बहुत ही छोटे कोई कारोबारी हैं उनकी भी छोटी छोटी यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, और आपको अपने डेली का जो आपका वर्क रूटीन है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ में आप इस साल कोई टूर पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर, किसी दूसरे देश में भी आप धार्मिक पर्पज़ से यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको हालांकि जॉब में अच्छा रिलीफ भी देंगे, और जिन लोगों का कोई फॉरेन से रिलेटेड जॉब है तो उनको भी अच्छी सफलता मिल सकती है। आपका अगर फॉरेन से रिलेटेड जॉब है तो आपका फॉरेन जाना हो सकता है, आपका घर से दूर जाना हो सकता है, यहाँ पर गुरु कुछ कमी भी करेंगे, कमी का मतलब है आपको घर से दूर भेजने का काम, तो ये स्थिति बन सकती है, ये सब आपको देखना चाहिए। साथ में गुरु देखिए यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव को देखने से पैतृक संपत्ति वगैरह में और जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं अष्टम भाव से उनमें अच्छे रहेंगे। साथ में आपको अष्टम भाव का नॉलेज भी काफ़ी देंगे, आपको सोच में बहुत गहराई देंगे, बहुत विवेकशीलता देंगे, तो एक तरह से मैच्योरिटी आपको देने ही वाले हैं। और गुरु का अष्टम भाव पर एस्पेक्ट है तो माताजी की सेहत वगैरह के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा। गुरु का एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर, तो 10th हाउस पर क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी इस वजह से इस भाव को तो ये प्रभावित पूरी तरह से करेंगे। ऐसी स्थिति में जॉब में चेंज संभव है इस साल, जॉब अगर फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन में है तो ज़्यादा अच्छा है, आपका फॉरेन में सेटलमेंट भी हो सकता है, या फिर आप जॉब पाने के लिए नए सिरे से आप नया जॉब पाने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, तो ये स्थिति भी इनकी अच्छी रहेगी। साथ में आपको यहाँ पर इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से क्योंकि फॉरेन जाने का योग बनेगा, घर से दूर जाने का योग बनेगा, घर के लिए खर्चे वगैरह वो सब हम बता चुके हैं, तो ऐसी स्थिति रहेगी। साथ में कुछ आप चैरिटी वगैरह से जुड़ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोई काम हो या कोई ऐसी संस्था हो जो स्पिरिचुअल पर्पज़ से कोई सम्मेलन आयोजित वगैरह करती हो ऐसा, तो उन सब से आप जुड़ के कार्य कर सकते हैं। साथ में कोई उपासना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहें तो उससे भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ में गुरु का वैसे फोर्थ हाउस में होना ये घर के सुख में आपको बढ़ोतरी ज़रूर करते हुए दिखेंगे, और ऐसी स्थिति में जो लोग घर पर ही हैं उनको कुछ ना कुछ
अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु का संबंध वैसे भी अगर किसी भी नाइन्थ हाउस से है या फिर आपका 12वें भाव से, तो आपका फॉरेन टूर निश्चित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि फोर्थ हाउस के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने का दिखा रहे हैं। और इनका गुरु और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन है, तो ये भी घर से दूर ले जाने में आपको अच्छी भूमिका निभाएगा यहाँ पर। और मंगल क्योंकि आपका ये लाभ स्थान का स्वामी है, तो लाभ स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव में तो धन के खर्चे को दिखाता है कहीं ना कहीं। और जो लोग आर्टिस्ट वगैरह हैं, कोई अपने स्टूडियो से काम करते हैं, जो लोग विशेषकर पर्दे के पीछे वाले जो लोग हैं काम करने वाले, उनके लिए मंगल यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैरिज लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम करेगा। और कुछ आपको नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें, कुछ समस्याएं रूटीन को लेके भी हो सकती हैं। साथ में क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु का एक और जो इस साल चेंज होगा 2024 में, गुरु वृषभ में भी जाएंगे, तो वृषभ में इनका जो परिवर्तन होगा 1 मई से होगा, 1 मई 2024 से होगा। तो इनका पंचम भाव में जाना ये मकर लगन वालों के लिए संतान प्राप्ति का संकेत देता है। एजुकेशन में अच्छे परिणाम और प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, इन सब से आपको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होना और आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होना। साथ में क्योंकि यहाँ पर गुरु हैं वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अपनी संतान के किसी पर्पज़ के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। साथ में यहाँ क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी भी हैं गुरु, उस वजह से आप एजुकेशन में काफ़ी मेहनत करेंगे, अपनी संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्नेह प्रकट करेंगे, संतान का पूरा ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो ये सब साथ में आप अपनी एजुकेशन पर भी पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो ये साल में आपको लगभग 4 महीने बाद एजुकेशन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ आप नया सीखेंगे और आप धन भी काफ़ी मात्रा में अर्जित करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो गुरु का सीधा एस्पेक्ट पड़ेगा वो लाभ स्थान पर पड़ेगा, तो लाभ स्थान की वृद्धि भी होगी और आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ जो कि मंगल के बारे में हम बात कर ही रहे थे, अब मंगल और इनका जो राशि परिवर्तन है आपस में, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही है, पर डिपेंड करेगा मंगल और गुरु की आपकी कुंडली में पोजिशन पर। साथ में क्योंकि राहू की पोजिशन भी आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, राहू इस साल 2024 में ये थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो इस वजह से ये भी आपको योगदान देंगे फॉरेन टूर करवाने में। अब आपको दशा भी देखनी होगी, दशा कौन सी चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके चेंज होते जाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम मंगल के बारे में। अब मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी, अब लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से हो सकता है अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस है या फॉरेन से आपको अर्निंग आती है, आप कमाते हो, तो लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य आएंगी। साथ में मंगल जो कि धनु राशि में रहने वाले हैं, धनु राशि से ये चेंज होंगे 5 फरवरी को और मकर में आएंगे। धनु राशि से सबसे पहले ये यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखने से इनकी राहु पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपको फॉरेन का टूर का निश्चित रूप से दिखाता है। साथ में आप काफ़ी साहसी होंगे, रिस्क लेंगे, आप बहुत अच्छी रिस्क लेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। साथ में सेहत अच्छी होगी आपकी, सेहत को लेके कोई विशेष मुश्किल यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन रूटीन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको दिखाई देती है आपकी कुंडली में। इसके बाद क्योंकि थर्ड हाउस को मंगल देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, उनमें आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पर भी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी साथ में रहेंगे 15 दिन तक लगभग, तो ये इनका जो एस्पेक्ट पड़ेगा, आप 6th हाउस की जितने भी समस्याएं आपको आने वाली हैं, चाहे वो शत्रु की समस्या हो, चाहे धन को लेकर, लोन वगैरह को लेकर कोई दिक्कत हो, उन सब से आसानी से निपट लेंगे। साथ में कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं, उसमें भी आपको सफल होने के चांसेस रहने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर स्थिति अच्छी बन रही है आपके लिए। अब मंगल आ जाएंगे फिर आपके लगन या राशि स्थान में ही, तो इनका परिवर्तन यानी 5 फरवरी से आएंगे ये, तो लगभग जनवरी का महीना आपका मंगल का 12वें भाव में ही बीतेगा, तो फर्स्ट जो साल का जो फर्स्ट महीना है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बाहर जाने के बनेंगे।
अब इनका राशि या लग्न स्थान में आने से सेहत पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। सेहत आपकी काफ़ी अच्छी होगी, आपको कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और खुद आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहेंगे, डिसीजन लेने में बहुत अच्छे रहेंगे आप। अब मंगल क्योंकि यहाँ से फोर्थ हाउस को देखेंगे तो ये समय में फिर से प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा होना, हालांकि घर पर कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जरूर हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधी काम को लेकर, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ में घर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो आपके बनेंगे, आप उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करेंगे। मंगल सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं कही जा सकती। कई बार आपका अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होना, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, और अगर पार्टनरशिप भी आप करें तो उसमें भी परिणाम अच्छे नहीं रहने वाले। अब मंगल यहाँ से देखेंगे अष्टम को, अष्टम को देखने से अष्टम भाव में यहाँ ये अच्छे रिजल्ट आपको जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। हालांकि फिर भी आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बन सकते हैं, बाकी आपको सावधान रहना चाहिए किसी भी छोटी मोटी अन्य दुर्घटना से। तो मंगल का परिणाम इस प्रकार से रहेगा। बाद में बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि पंचमेश है और शुक्र का गोचर रहेगा लाभ स्थान में, और शुक्र जो आपके 10th हाउस के स्वामी भी हैं, तो ये समय में आप अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर की दुनिया में, कोई होटल संबंधी व्यवसाय है, सोना चांदी संबंधी ज्वेलरी का कोई व्यवसाय है, यानी शुक्र से रिलेटेड जितने भी आपके व्यवसाय हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई आपका शॉप है, तो इन सब से आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और धन भी आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। साथ में शुक्र का 11th हाउस में होना ये दिखाता है स्त्रियों से विशेष सहयोग मिलेगा, और शुक्र का यहाँ पर जो एस्पेक्ट पड़ेगा पंचम भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगा, तो ये आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ दे सकता है इस साल में। और बच्चों के प्रति आप हमेशा प्रेम प्रकट करेंगे, बच्चों का पूरा पूरा ध्यान आप रखेंगे, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे, अपनी कोई क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे, कोई अच्छा गाना गा सकते हैं कहीं पर, कोई अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छी आप मूर्तिकला या जो भी आपकी कला है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ में स्त्रियों से विशेष लाभ आपको होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं और शुक्र यहाँ से चेंज होंगे धनु राशि में जाएंगे, तो ये 18 जनवरी से जाएंगे, 18 जनवरी के बाद शुक्र 12वां हो जाएगा, तो ये खर्चों को दिखाता है, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे आपके और किसी से कोई सेक्रेट अफेयर वगैरह होने की चांसेस भी रहेंगे, तो इससे आपकी मैरिड लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। साथ में शुक्र यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड जो काम है उनमें अच्छा लाभ दिखाएगा, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। ये खर्चे आपके अपनी संतान की एजुकेशन के लिए या खुद की एजुकेशन के लिए, इन कार्यों के लिए भी हो सकते हैं। अब शुक्र का 12वें भाव में जाना किसी से अफेयर वगैरह का चांस बनाता है, तो ऐसे स्थिति में आपका किसी से कोई अट्रैक्शन हो सकता है, अफेयर वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं देखिए बुध के बारे में। बुध आपके लिए 6th हाउस के स्वामी बनते हैं, और 6th हाउस के स्वामी इसके अलावा 9th हाउस के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान में, इनका लाभ स्थान में गोचर अच्छा होगा आपके लिए, और ये दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पर शुक्र के साथ, यानी अपने मित्र के साथ रहते हुए, तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेंगे कहीं ना कहीं। संतान को लेकर हालांकि इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे, पर कुल मिलाकर आपको लाभ इनका जरूर होगा। एजुकेशन में बुध का विशेष लाभ आपको होगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने कार्यों पर। अब बुध की जहाँ तक बात है, बुध 7 जनवरी को धनु में चले जाएंगे, तो जो पहला वीक है उसमें ये लाभ स्थान में रहने वाले हैं, इसके बाद धनु में जाने वाले हैं। धनु में जाने के बाद आपको कुछ खर्चे हो सकते हैं, खर्चों की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका कोई फॉरेन टूर से संबंधित काम है उसका अप्रूवल हो सकता है, लास्ट अप्रूवल उसका, फाइनल अप्रूवल, और इस समय स्टूडेंट्स को विशेष लाभ होगा, फॉरेन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ होगा, तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ से दिखाते हैं। साथ में बुध के यहाँ होने से किसी से भी पैसा उधार ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ही फोकस करके रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा हमने यहाँ सिर्फ शुरुआत के लिए दिखाए हैं, तो ये सप्तमेश होकर अष्टम में ट्रांजिट करेंगे। शुरू में आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है,
और कई बार जीवन साथी की सेहत के मामले में भी आपको बहुत नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं, यानी सेहत ख़राब हो सकती है और उनके लिए भी खर्चा हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं चंद्रमा का यहाँ पर जो लाभ प्राप्त होगा वो आपको खुद को प्राप्त होगा। आपकी वाणी स्थान पर ये जब दृष्टि डालेंगे तो वाणी में कहीं ना कहीं मधुरता देंगे, वैसे शनि की वजह से थोड़ी कठोरता जरूर रहेगी आप में। तो यहाँ पर चंद्रमा के होने से बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है और बहुत बड़ा कोई डिप्रेशन आपको मोल नहीं लेना। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य का जो गोचर रहेगा 15 जनवरी तक लगभग सूर्य धनु में रहने वाले हैं, तो ये 12वें भाव में रहेंगे आपके लिए। 12वें भाव में यहाँ पर आप कोई ऐसा इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, उसके लिए सूर्य अच्छे हैं। साथ में ये आपको कहीं ना कहीं पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, पिता की हेल्थ संबंधी दिक्कत या कोई अन्य प्रकार की समस्या दिखाते हैं, तो ऐसे स्थिति का आपको ध्यान रखना होगा। साथ में सूर्य मंगल के साथ युति करके रहेंगे तो आपका जो बेडरूम का सुख है वो तो आपको उसमें तो कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कलाकार हैं, स्टूडियो वगैरह में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो फ़ायदा होगा। लेकिन सरकारी जो भी उपक्रम है या सरकार है, पर्टिकुलर जो आपकी गवर्नमेंट है, उससे कुछ नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सूर्य, क्योंकि 6th हाउस को भी देखेंगे तो धन का लेन देन किसी के साथ करते हैं, तो सावधानी से करें। और आपके जॉब के मामले में भी यहाँ पर सूर्य का जो रिजल्ट है अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए, हमने लगभग यहाँ एक और गोचर सूर्य का डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य आपके लग्न में भी आएंगे और ये 15 जनवरी को आएंगे। 15 जनवरी को ये मकर में आने के बाद यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देते हुए नजर आएंगे। सेहत काफ़ी अच्छी होगी, आप बहुत फास्ट होंगे काम करने में, डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए तो काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये समय में आपको परिणाम काफ़ी अच्छे आएंगे। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, यहाँ पर आया हुआ सूर्य आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। अब देखिए, लगभग हमने सभी ग्रहों की यहाँ पर बात की है। अब राहु केतु के बारे में भी बात करते हैं। राहु और केतु का जो गोचर रहेगा 3rd 9 का रहेगा, तो ये राहु आपको फॉरेन टूर करवाने में सक्षम रहेगा। और क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी 4th में और इनका मंगल के साथ राशि परिवर्तन भी हो रहा है, और गुरु क्योंकि ये 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको राहु, 3rd का जो राहु है, सपोर्ट कर रहा है फॉरेन टूर वगैरह के लिए। साथ में ये आपको कोई बिजनेस आइडिया अच्छा दे सकता है, उस काम करने की शक्ति अच्छी देगा, साहस देगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन राहु के 3rd हाउस में होने की वजह से पड़ोसियों के साथ या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी स्थितियाँ जरूर बनेंगी। साथ में इनका जो एस्पेक्ट रहेगा वो क्योंकि 7th हाउस पर भी रहेगा, 7th हाउस पर होने की वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस फिर से आ सकता है। इनका एस्पेक्ट रहेगा 9th पर, 9th पर होने से भाग्य जरूर आपका साथ देगा लेकिन पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। साथ में दूर जाने का अच्छा योग बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि राहु लाभ स्थान को भी देखेंगे, लाभ स्थान को देखने से धन में वृद्धि होगी, लाभ में हमेशा वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से, और केतु का गोचर जो कि 9th हाउस में है केतु, ये आपको फॉरेन टूर करवा सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत देंगे, धार्मिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। तो ये साल में मोटा मोटा अगर हम कहें आपके लिए 2024 में, तो घर से दूर जाने के काफ़ी सारे मौके आपको मिल सकते हैं, सेहत अच्छी होगी, शुरुआत में इतनी अच्छी ना हो बट धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी। साथ में इस साल आपके पास धन काफ़ी मात्रा में आएगा। तो ये आपके लिए वर्ष 2024 का प्रेडिक्शन था। फिलहाल इतना ही।